उत्तरा ऋषभ शरीफ है ये हम सब जानते हैं, इसलिए हम में से कोई भी इस तस्वीर पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन आम जनता तो वही मानेगी ना जो उन्हें दिखाया जाएगा। कल रात वाली बात पता नहीं क्यों नहीं बताई मुझे, बहुत बुरा पापा। अगर उसे कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। I'll finish you, क्योंकि ये सब आपकी वजह से हुआ है। डॉक्टर ऋषभ, आपने मुझे कल रात ही फोन क्यों नहीं किया? बेटी ने दूसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और माँ को कोई खबर ही नहीं। आप क्या चाहते थे, मैं सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ जीऊं? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी डॉक्टर ऋषभ, नेवर। अगर तारा को कुछ हो गया ना, तो आई विल होल्ड यू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर सिचुएशन कंट्रोल में है तो आधी रात को आपको परेशान न किया जाए। और उसके बाद मैंने उससे बात की, उसे समझाया, और मुझे लगा कि वो मेरी बात समझ रही है। तो फिर वो हॉस्पिटल छोड़कर क्यों गई? हो सकता है उसने ये तस्वीर देखी हो। वैसे इतना ट्रिगर भी उसके लिए काफी है, आप तो जानते हैं वो कितनी इंपल्सिव है। भैया, अखबार में आपकी तस्वीर देखने के बाद आइडियली उस लड़की को सामने आना चाहिए था, और कुछ नहीं तो कम से कम ये जानने के लिए तो फोन कर सकती थी कि वो तस्वीर किसने खींची, क्यों छापी। ये सवाल मैं अपने आप से कितनी बार कर चुका हूं, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। इस वक्त मुझे इतना ही नजर आ रहा है कि जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज भैया, सब के लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए आप। देखिए भैया, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपने आज तक अपने पेशेंट्स के साथ कभी लापरवाही नहीं की। मैंने आपको आज सुबह भी कहा था कि वो लड़की जिंदा है, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन कहीं छुपी हुई है, सामने नहीं आई, गॉड नोज व्हाट इट इज। वो ऐसा करेगी क्यों? ये हो सकता है कि जिस पोज में, जिस पोजीशन में आपकी फोटो खींची गई हो, उस सबकी जिम्मेदार वो लड़की हो। आप कह रहे थे कि हॉस्पिटल में कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं। Quite possible she's a part of them. उन सब का हिस्सा, उन सब में इन्वॉल्व हो। Quite possible. ये क्या बात कह रहे हो तुम? वो लड़की एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से है, उसकी माँ सीमा रे। भैया, ये भी तो हो सकता है कि माँ बेटी दोनों इसमें इन्वॉल्व हो, और आपसे ये किसने कह दिया कि सो कॉल्ड रिप्यूटेड फैमिलीज क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होती? देखिए भैया, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। नहीं, ठीक है, वो लड़की रैश है, इंपल्सिव है, और वो गलत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन उसकी माँ, आई डोंट थिंक सो, डेफिनेटली नॉट। और जब मैंने उसे बताया कि तारा गायब हो गई है, वो जिस तरह से मुझ पर गुस्सा हुई, उसके बाद रोने लगी, मुझे तो तुम्हारी इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो लड़की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो सकती है। मुझे इस वक्त तो सिर्फ यही, आई जस्ट होप कि उसने कहीं अपने आप को कुछ। भैया, उस लड़की ने कुछ नहीं किया होगा, ट्रस्ट मी, वो जिंदा है, एंड आई एम श्योर शी मस्ट बी फाइन। मैडम, आपने एक और शैंपेन मंगाई थी। कम इन। सॉरी मैडम, थोड़ा लेट हो गया। टाइम क्या हुआ है? रात के 8 बज रहे हैं मैडम। क्या 8 बज गए? ज्यादा सोई। 26 मिस्ड कॉल्स। कौन परेशान कर रहा है? मॉम।
ऋषभ, डॉक्टर ऋषभ ने मुझे मिस किया। आपने तो खुद कहा था चले जाने के लिए, और जब मैं चली गई तो अब मुझे मिस कर रहे हैं डॉक्टर ऋषभ। तारा कहाँ हो तुम? मैं well I'm somewhere anywhere कहीं भी। ओ शट अप तारा, तुम इस तरह अस्पताल से भाग क्यों गई हो? भागी? मैं भागी कहाँ डॉक्टर ऋषभ, मैं तो चली गई। रिमेम्बर, अभी ने तो कहा था कि तारा चली जा, तो मैं चली गई। शराब भी रखी है तुमने? नहीं तो तुम हो कहाँ तारा? तुम जानती हो सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं? आप भी परेशान हैं। तारा सुबह से सब तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि शराब पीकर कहीं पड़ी हो, फोन नहीं उठा रही हो। व्हाट द हेल इज दिस? जाने से पहले किसी को बता के गई थी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं किया तुमने? तुम्हें क्या लगता है जब चाहोगी तुम अपनी मनमानी करती रहोगी? तुम कहाँ हो बताओ मुझे तारा। So that आप मेरी मॉम को इन्फॉर्म कर सके, है ना डॉक्टर ऋषभ? No, 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 no. मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। क्या तमाशा लगा रखा तुमने तारा? तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान है तुम जानती हो? मुझे ब्लेम कर रहे हैं सब क्योंकि तुम अस्पताल से भाग गई हो। माई रेपुटेशन इज एट स्टेक। What? रेपुटेशन? सुबह का अखबार नहीं देखा तुमने? तस्वीर छपी हो उस पे, तुम्हारी नजर नहीं पड़ी अब तक? अपने बचपने और बेवकूफी से फुर्सत मिले तुम्हें तभी तो कुछ नजर आएगा। उठाओ अखबार और देखो। हेलो, हेलो तारा। घटना से जीएम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पर उंगलियां उठाई गई है। डॉक्टर ऋषभ जैसे शरीफ और ईमानदार माने जाने वाले डॉक्टर जब अपने पेशेंट की मजबूरी का इस तरह फायदा। शिट, हाउ कैन दे डू दिस? क्या कह रही है तारा, है कहाँ वो? बंद कर दिया उसने फोन। चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि वो जिंदा है। सम्मान का अंदाजा ठीक ही था। I hope not. I just hope कि वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है। समझ ही में नहीं आएगा किस पे विश्वास करें किस पे नहीं करें। खैर इस वक्त मेरे लिए इतना काफी है कि वो जिंदा है और उसकी माँ को बता देना चाहिए। सब खाना लग गया। मुझे नहीं खाना, get out. डॉक्टर ऋषभ, तारा की कोई न्यूज़ मिली? जी अभी मुझे फोन किया है तारा ने। Thank God she's alive. कहाँ है वो? क्या कहा उसने? घर कब आ रही है? उसने मुझे कुछ बताया नहीं है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो मुझे बताएगी तो मैं आपको बताऊंगा और वो नहीं चाहती है कि ये लड़की अपनी माँ से कब तक भागती रहेगी। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं होने वाला सीमा जी, मैंने उसे दोबारा फोन करने की कोशिश की है लेकिन उसने अपना फोन बंद कर दिया। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। Sometimes she is so frustrating. फिलहाल तो उसके हाल पर छोड़ देने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। बस इतना काफी है कि हम लोग जानते हैं कि वो जिंदा है। I think you're right. इस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ाकर कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ऋषभ, thank you for the news and good night. जी good night. Congratulations gentlemen, congratulations. डॉक्टर ऋषभ को सस्पेंड करवाने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। डॉक्टर कर्णिक, आप कल सुबह ही मेडिकल बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाइए। We'll finish him off.
ये सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर रस्तोगी। 24 घंटे इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 24 घंटों में गुमशुदा इंसान के वापस आने की संभावना को पुलिस भी नहीं नकार। अतारा को गए हुए अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, कल सुबह हो जाएंगे। तो फिर आप कल सुबह बोर्ड की मीटिंग कैसे बुलाएंगे? और डॉक्टर ऋषभ का सस्पेंशन फिर पोस्टपोन हो जाएगा और उसे अपने आप को डिफेंड करने का वक्त भी मिल जाएगा। और मैं उसे ये वक्त देना नहीं चाहता। आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए जेंटलमैन के डॉक्टर ऋषभ भी बड़े बड़े और वजनदार लोगों को जानते हैं, उनके कुछ नजदीकी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। सोचिए अगर इनमें से कोई एक की भी मदद वो लेते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, उल्टा हम ड्यूटी और रूल्स के चक्कर में फंस के रह जाएंगे। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे सुबह तक का इंतजार करें? रिलैक्स रिलैक्स डॉक्टर रस्तोगी, रिलैक्स। देखिए डॉक्टर रस्तोगी, हम कल सुबह का इंतजार जरूर करें, एक नई सुबह का जहां हम डॉक्टर ऋषभ को सस्पेंड कर चुके होंगे। ना तो उसे अपनी बात कहने का वक्त मिलेगा और ना ही वो किसी लॉयर को अपना केस प्लीड करने के लिए कॉन्टेक्ट कर सके, क्योंकि हम उन्हें इतना मौका ही नहीं देंगे कि वो इतना कुछ कर सके। ही विल बी टेकन बाय सरप्राइज, टोटल सरप्राइज। तो ठीक है डॉक्टर कर्णिक, आप उसे फोन करके कल सुबह की मीटिंग के बारे में बता दीजिए, वरना आप पर इल्जाम लगाएगा कि आपने मीटिंग का जो नोटिस पीरियड होता है उसका वक्त नहीं दिया। दिया ना, एक रात का पीरियड दिया। अब वो चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो डॉक्टर ऋषभ, बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग है कल सुबह 9 बजे। सर मैं आपको फोन करने ही वाला था ये बताने के लिए कि तारा जिंदा है। उसने कुछ ही देर पहले मुझे फोन किया। ओह, दैट्स वेरी गुड। तारा से कहिएगा कि कल सुबह हॉस्पिटल आ जाए, अगर नहीं तो बता दीजिए वो कहाँ है, हम खुद उन्हें ले आते हैं। जी उसने मुझे सिर्फ फोन किया है और ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे है, और अब उसका फोन भी बंद है। लेकिन सर मैं जानता हूँ कि वो जिंदा है और वो सेफ है। देखिए डॉक्टर ऋषभ, सिर्फ जानना ही इनफ नहीं होगा। अगर आप कह रहे हैं कि तारा जिंदा है तो आप सच ही कह रहे होंगे, लेकिन हम मैनेजमेंट को कैसे यकीन दिलाएं? उसके जिंदा होने का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और जब तक हम उसे मैनेजमेंट के सामने नहीं लाएंगे, डॉक्टर ऋषभ आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी जी हाँ। सॉरी लेकिन कल की मीटिंग अवॉइड नहीं कर सकेंगे। जी मैं समझता हूँ, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही होगा। क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे, मीटिंग तो मुझे अटेंड करनी होगी, और वैसे भी मैनेजमेंट चाहता नहीं है कि मुझे वो वक्त मिले कि मैं तारा को ढूंढ सकूं, इसीलिए तो कल सुबह मीटिंग रखी। वरना होना तो ये चाहिए था कि वो मेरी मदद करते, मुझे पुलिस असिस्टेंस देते और हम लोग मिलकर तारा को ढूंढते। लेकिन वहां कोई है जो नहीं चाहता कि मैं अस्पताल में रहूं। एक क्राइसिस खत्म हो गई लेकिन दूसरी बाकी है। लेकिन डॉक्टर कार्निक, डॉक्टर कार्निक क्या कर लेंगे इस सिचुएशन? मेरी बेगुनाही साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तारा, और वो हमें पता नहीं इस वक्त कहां है। ऐसे में अगर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं गिल्टी हूं, तो मेरा करियर इज फिनिश्ड। मेरे ख्याल से सम्मान ठीक कह रहा था, उन्होंने तारा को भी इन्वॉल्व कर लिया, वरना उसे क्या जरूरत थी तुम्हें फोन करने की? उसके बाद फोन स्विच ऑफ आ रहा था ताकि तुम उसे कॉन्टेक्ट ना कर पाओ। पेशेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग तुम्हें फंसाने के लिए। हाउ कैन दे जस्ट टू दैट? किया तो है, शायद यही एक तरीका नजर आ रहा होगा उन्हें मुझे ट्रैप करने का। मैं उनके रैकेट को एक्सपोज करना चाहता हूँ, जाहिर है वो मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सम्मान, ऋषभ भैया ने उस हॉस्पिटल के लिए क्या क्या नहीं किया है? पर मैनेजमेंट का नजरिया कुछ और ही है, और यही वजह है कि मैनेजमेंट ने ऋषभ भैया को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके, उस लड़की को ढूंढ सके।
मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में कोई है जो नहीं चाहता कि ऋषभ भैया उस हॉस्पिटल में रुके। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं सर? हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा ही है काकुल। बोर्ड की मीटिंग इतनी जल्दी बुलाने की, इतनी जल्दबाजी में बुलाने की जरूरत क्या थी? ताकि ऋषभ भैया को अपनी सफाई देने का मौका ना मिले। पहले मुझे शक था, पर अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि ऋषभ भैया को फंसाया जा रहा है, वरना वो लड़की अभी तक सामने नहीं आ जाती। बहुत अच्छे हैं हमारे ऋषभ भैया, कितने सीधे साधे हैं, किसी में उन्हें कोई चालाकी नजर ही नहीं आती है, वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं। इसी बात का तो फायदा उठाया, पेशेंट बनकर आई थी। ऋषभ भैया को लगा अब कमजोर है, लाचार है, मदद कर देते उसे। ये नतीजा दिया उसने मदद का। हमें तो ये समझ भी नहीं आ रहा सम्मा कि उस लड़की का जमीर इस बात के लिए मान कैसे गया। इतने अच्छे डॉक्टर है ऋषभ भैया, उसकी जान बचाई उन्होंने। पता नहीं क्या लालच दिया होगा उन सब ने इस लड़की को कि वो ऐसी हरकत करने के लिए राजी होगी। ये सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ऋषभ भैया उस लड़की को पहचान नहीं पाए कि इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब छुपा हुआ। तो पहचानते भी कैसे? आज तक इस तरह के लोगों से तो उनका पाला पड़ा नहीं। आई होप सब ठीक हो जाए। डॉक्टर कार्निक जानते हैं कि अपने अस्पताल में चल रही इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए मैं सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये उन्हीं लोगों की चाल है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैनेजमेंट मेरे खिलाफ एक्शन ले और वो लोग अपना काम आसानी से कर सके। ये फोटोग्राफ सिर्फ एक जरिया है इलीगल एक्टिविटी से ध्यान हटाने का। डॉक्टर ऋषभ, अगर आपको हॉस्पिटल से या उसके मैनेजमेंट के खिलाफ कोई शिकायत है तब उसे सुनने के लिए कोई और मीटिंग रख लेंगे, तब आप अपनी बात कीजिएगा। फिलहाल तो आप ये बताइए, इस फोटोग्राफ का क्या मतलब है? इस लड़की से आपका क्या संबंध है? बोलिए डॉक्टर ऋषभ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे खिलाफ लगाए गए सारे चार्जेस झूठे हैं, और वो लड़की मेरी पेशेंट है जिसकी मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीर कैसे छपी है, किसने छापी है, मुझे पता नहीं है, और मेरा इससे कोई लेने देना नहीं है। और मेरी बेगुनाही का सबूत इस वक्त सिर्फ वो लड़की है, और वो कहाँ है इस वक्त कोई नहीं जानता। किसी भी तरह से अगर उस लड़की को इस कमेटी में लाया जा सके तो उसे इस कमेटी के सामने लाना आपकी जिम्मेदारी है डॉक्टर ऋषभ, हमारी नहीं। अगर आपका कहना सच है और वाकई आप बेगुनाह हैं तो जाइए उस लड़की को इस कमेटी के सामने ले आइए। इस तरह के फोटोग्राफ न सिर्फ आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं बल्कि हमारे हॉस्पिटल को भी लोगों की नजरों में गिरा देते हैं। क्या सोचेंगे लोग हमारे हॉस्पिटल के बारे में? कौन आएगा यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए जहाँ पे डॉक्टर पेशेंट की मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें कौन किसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है? फायदा तो आपकी कमेटी उठा रही है, सब लोग उठा रहे डॉक्टर ऋषभ की ऑनेस्टी का। हाउ डेयर यू क्वेश्चन हिज इंटेग्रिटी? और मेरे और डॉक्टर ऋषभ के बीच में वही है जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है, एक विश्वास का नाता। तो फिर ये क्या है? यू नो व्हाट, यू आर ऑल फेक पीपल। लेकिन सच्चाई ये नहीं है जो आपको दिख रही है। सच्चाई तो यह है कि उस रात मैं टेरेस पर अपनी जान देने गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड, और डॉक्टर ऋषभ ने आकर मेरी जान बचाई। और एक बात, मैं आप सब लोगों पर डेफोमेशन का केस करने वाली हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने मेरी इमेज खराब की है, मेरा नाम बदनाम किया है। एंड फॉर ऑल द मेंटल टॉर्चर दैट यू हैव कॉज्ड मी, मैं आप सबको जेल भिजवा कर रहूंगी।
इंतजार कर रहे हैं आप, लेकिन याद रखिएगा मेरी कंप्लेंट के साथ साथ उस आदमी की कंप्लेंट भी करना मत भूलना जिसने हम दोनों की फोटोग्राफ खींची थी और फिर बिना परमिशन के पब्लिश भी की थी। और अगर आपने ऐसा नहीं किया देन आई विल सी टू इट कि आपका हॉस्पिटल मुसीबत में कैसे नहीं आता। Bloody fools!